Assalamualaikum dear students, आज हम टॉपिक 12 चैप्टर का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम आप जानते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन है। हमने प्रीवियस टॉपिक में एल्डिहाइड एंड कीटोन का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, इसके बाद उसके नामक नेचर को देखा था। अब आज का सवाल है, क्या एल्डिहाइड को आप बना सकते हैं? अच्छा, बना सकते हैं तो किन मेथड से बनाते हैं और कहां कहां इसको प्रिपेयर किया जाता है? डियर स्टूडेंट, दो तरह से मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। एक केमिस्ट लेबोरेटरी मेथड के जरिए तैयार करते हैं, दूसरा वे इस एल्डिहाइड या कीटोन का इंडस्ट्रियल वे है, उससे भी इसको बनाया जाता है। लेबोरेटरी में और इंडस्ट्रियल में क्या डिफरेंस होता है? लेबोरेटरी में सिर्फ प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं, आया कि हम ये चीज़ डिस्कस यानी कि बना सकते हैं, उसमें हम उसके एक्सपेंसिव की बात नहीं करते, चाहे जितने लग जाए, हमने तो सिर्फ प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है, आया कि इसको ये चीज़ बना सकते हैं कि नहीं। इंडस्ट्रीज में इस चीज़ का केमिस्ट ख्याल रखते हैं कि नुकसान ज़्यादा ना हो, बिजनेस वाले लोग खासतौर पर इसमें तवज्जो देते हैं। तो हम सबसे पहले लेबोरेटरी मेथड भी पढ़ेंगे, इसके अंदर इंडस्ट्रीज भी। डियर स्टूडेंट, जो मेरा आज का टॉपिक एल्डिहाइड घी के बारे में है कि एल्डिहाइड आप जानते हैं कार्बोनाइल ग्रुप के साथ एक एच लग जाए, उसको हम एल्डिहाइड कहते हैं। एल्डिहाइड दो तरह के होते हैं, वैसे तो बहुत सारे लेकिन जो आप एफएससी बेस पे आप याद करते हो, एक जानते हो कि फॉर्मल्डिहाइड कहलाता है, दूसरा एस्ट्राल्डिहाइड कहलाता है। आज का हमारा यही टॉपिक है कि पहले आप फॉर्मल्डिहाइड को बनाओ, दूसरा आप एस्ट्राल्डिहाइड को आज बनाना है। इंडस्ट्रियल वे के लिए भी, लेबोरेटरी मेथड के लिए भी, तो सवाल स्टार्ट करने लगे हैं। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड जिसको फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड को बनाते हैं। सबसे पहले कहाँ से? लेबोरेटरी मेथड के जरिए हम क्या करेंगे, फॉर्मल्डिहाइड को बनाने की कोशिश करेंगे, जिसको मैं बताऊंगा फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं। मैंने आपको इससे प्रीवियस चैप्टर पढ़ाया 11, उसमें अल्कोहल के अंदर मैंने ऑक्सीडेशन की थी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल की। आपको मैंने बताया था कि जब ऑक्सीडेशन की जाती है तो एल्डिहाइड बनता है, कीटोन बनता है, एडीसी। तो डियर स्टूडेंट, मैंने एक कंपाउंड लिया है मॉलिक्यूल का, अल्कोहल है, इसको मेथनॉल कहते हैं, स्प्रिट का नाम भी दिया जाता है। इसको अगर मैं एयर पास करूंगा, कैटलिस्ट यूज करूंगा प्लैटिनम। जब मेथनॉल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, कैटलिस्ट कौन सा यूज किया जा रहा होगा? प्लैटिनम स्पेसिफिक टेंपरेचर 300 डिग्री सेल्सियस। इसके नतीजे में एक कार्बोनाइल एल्डिहाइड ग्रुप आएगा, साथ क्या बन जाएगी, वाटर के मॉलिक्यूल एग्रीगेट होंगे। अब कहता है आप इसको लेबोरेटरी में कैसे तैयार करते हैं। मैंने एक डायग्राम आपको डायमेट्रिकली एक्सप्लेन करने के लिए शो कर दी है, ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सके। डियर स्टूडेंट, मैंने एक राउंड बॉटम फ्लास्क ली, ये एक राउंड बॉटम फ्लास्क है, इसमें उस लिक्विड को डाल दिया गया जिसकी मैंने ऑक्सीडेशन करनी है, इसका नाम मेथनॉल है, सीप्रेट है। जब इस मेथनॉल को डाल दिया गया, इसके नीचे मैंने एक वाटर बाथ रख दिया। ये रखने का मकसद क्या होता है, जब नीचे से इसको हीट प्रोवाइड की जाती है, हम इस राउंड बॉटम फ्लास्क को डायरेक्ट हीट नहीं देते, बल्कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये हीट वाटर बाथ में वाटर को जाती है, इसके बाद जाने के बाद फिर ये राउंड बॉटम के अंदर जो लिक्विड मौजूद होता है उसको ये हीटेड करता है। इसमें एक काम और भी करना होता है, इसके साथ एक इनलेट ट्यूब लगी हुई आप देख लोगे, इसमें से हवा पास कराएंगे, क्योंकि मेथनॉल का किसके साथ रिएक्शन करता है, एयर के साथ। जब ये रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन के नतीजे में ऑक्सीजन इधर आएगी, मेथनॉल के साथ मिक्स हो जाएगी, मिक्सचर बन जाएगा, यहाँ से हीट करेंगे, खास स्पेसिफिक टेम्परेचर की सूरत में ये आपस में रिएक्ट करेगा, रिएक्शन करके ये फिर इसके नतीजे में वो मॉलिक्यूल वेपर की सूरत में बनना शुरू हो जाएंगे, गैसियस होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमने नीचे से इसको क्या प्रोवाइड की थी डियर स्टूडेंट, हमने इसको हीट प्रोवाइड की थी। फिर जब हीट प्रोवाइड की जाती है, ये वेपर इस ट्यूब को ऑफ कर दिया जाता है, यहां से ये देख रहे होंगे मतलब दूसरी ट्यूब आ गई है, इसमें से ये वेपर, क्योंकि गैसेस होते हैं, यहां से मूव करते करते
एस्बेस्टस पोलाटिनियम का बनाया हुआ यूज किया हुआ है। इसका मकसद क्या होता है? बनने वाले वेपर इसमें से पास थ्रू होंगे, अब वो प्योरीफाई होंगे, क्लेरिफिकेशन की सूरत में इस कैटालिस्ट में से गुजर के वो एक सेक्शन पंप पे आ जाएंगे। इसको सेक्शन पंप कहते हैं, जहां कलेक्टिंग डक्ट होती है। वो जो प्रोडक्ट हमने बनाया था वो प्रोडक्ट हम फॉर्मेलडिहाइड की सूरत में हासिल कर लेंगे। मेथनॉल को एयर के साथ ट्रीट किया, कैटालिस्ट ये यूज किया, प्लाटिनम एस्बेस्टस। यहां एक बात याद रखना, इसमें टेंपरेचर जो प्रोवाइड किया जाता है प्लाटिनम का, प्लाटिनम चैंबर जो आया था बस एस्बेस्टस या 300 डिग्री सेल्सियस होता है। एक सवाल स्टूडेंट करता है, ये एस्बेस्टस की क्यों यूज करते हैं, दूसरा कोई मटेरियल भी तो यूज कर सकते हैं। जस्ट मैं लास बनाया नहीं लगा हूं, यहां लास है अनकन्वेंशन फैब्रिक। अनकन्वेंशन फैब्रिक का मतलब होता है ये फैब्रिक मटेरियल है, ये लास कोर्स फॉर्म में। अनकन्वेंशन का मतलब इसको आप जल्दी नहीं पकड़ते, आप जल्दी नहीं लगते, हीटर जल्दी नहीं होगा, ये अपना काम रिएक्शन में बढ़ा देगा। यहां से प्रोडक्ट की सूरत में जो हमने फाइनलाइज करना था वो बिल्कुल प्रोडक्ट यहां से होता हुआ यहां आ जाएगा। जब यहाँ आएगा आप सोच रहे होंगे कि मेथनॉल ऑक्सीजन से ट्रीट करने में फॉर्मेलडिहाइड परिवर्तन देता है। डेस्टर मानते हैं कि हमने जो प्रोडक्ट फॉर्मेलडिहाइड बनाना है वही आता है, लेकिन इसके साथ वो सॉल्यूशन के अंदर भी कंपाउंड मौजूद होते हैं। वो कहते हैं तीन तरह के हमें प्रोडक्ट नजर आते हैं, एक एल्डिहाइड का, एक अल्कोहल का, और तीसरा हमारे पास वाटर बनता है। अब ये सारे का सारा सॉल्यूशन कहलाता है, ये सॉल्यूशन है। देखो मैंने डिफरेंट कलर को सूरत में रिप्रेजेंट कर दिए हैं ताकि आपको समझा सको। इसमें से रेड कलर वाला सपोज कर लेते हैं फॉर्मेलडिहाइड है, हम फॉर्मेलडिहाइड बनाना था बना लिया। अब सवाल आता है इसमें जो प्रोडक्ट सॉल्यूशन की सूरत में आया है मेथनॉल, मेथनॉल वाटर की सूरत में तीन प्रोडक्ट बनेंगे, एएलएलडिहाइड को कहते हैं, ओएलएलकोहल को कहते हैं, H2O वाटर को कहते हैं। हमने एएलएलडिहाइड बनाना था वो भी प्रोडक्ट आ चुका है। इसमें 40% मेथनॉल होगा, 8% मेथनॉल होगा, 52% क्या हमारे पास हासिल होगा, वाटर ऑब्टेन होगा। एक स्टूडेंट सवाल करता है, सर आपने आप फिर फॉर्मेलडिहाइड को हासिल ही नहीं किया, ये तो सॉल्यूशन में पड़ा है। डियर स्टूडेंट आप 9 से ये बात पढ़ रहे हो, एक लफ्ज होता है डिस्टिलेशन, हम इसको हीट करेंगे सॉल्यूशन को। डिफरेंट कंपाउंड के डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, जब डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होते हैं डिफरेंट पॉइंट पे वो डिफरेंट सूरतों में डिस्टिलेशन शो करेंगे, डिस्टिलेट कर देंगे, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। जब सेपरेट होंगे इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाएगा, इस तरह हम फॉर्मेलडिहाइड को एक लेबोरेटरी मेथड के जरिए तैयार कर लेंगे। ये फॉर्मेलडिहाइड का लेबोरेटरी के लिए तैयार करना, दूसरा भी एक आसान तरीका है, हम इसको इंडस्ट्रीज के लिए भी बना सकते हैं, वो तो बड़ा आसान सा है। लेकिन वेयर बॉक्स वही मेथनॉल है, सेपरेट है, ऑक्सीजन से ट्रीट करते हैं, लेकिन इनमें इसमें फर्क किसका है, कैटालिस्ट का है। इसमें एरोमिक ऑक्साइड है, मोलिब्डेनियम ट्राइऑक्साइड है, टेंपरेचर 500 डिग्री सेल्सियस है। मेथनॉल ऑक्सीजन से ट्रीट करेगा, एरोमिक ऑक्साइड मोलिब्डेनियम ट्राइऑक्साइड एट 500 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर पे बनने वाला प्रोडक्ट मेथनॉल होगा, फॉर्मेलडिहाइड कहलाएगा, और इस सूरत में साफ क्या निकलेगा, वाटर की फॉर्मेशन भी होगी। ये स्टूडेंट एक और बात बताता चलो, यहाँ जो सॉल्यूशन की सूरत में प्रोडक्ट आया है ये मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है, इसलिए इसको फॉर्मेलिन कहते हैं, इसमें फॉर्मेलडिहाइड मौजूद है, इसलिए इसको फॉर्मेलिन की वजह से फॉर्मेलडिहाइड की वजह से फॉर्मेलिन का नाम दिया गया है। दरअसल मेथनॉल, मेथनॉल, मेथनॉल और वाटर का मजमुआ है, इसलिए इसको फॉर्मेलिन भी पढ़ते होते हैं। फिर वो कहते हैं इंडस्ट्रीज के लिए मेथनॉल के एक्सीडेंट ट्रीटमेंट की, तो हमने फॉर्मेलडिहाइड भी बना लिया। आज एल्डिहाइडिक डिस्कस करेंगे, फॉर्मेलडिहाइड, एस्टरडिहाइड। एस्टरडिहाइड को दूसरा टॉपिक है, मैं पढ़ने लगा हूं। हमने एल्डिहाइड फॉर्मेलडिहाइड को लेबोरेटरीज में भी बना सकते हैं, इंडस्ट्रीज में भी बना सकते हैं। इसके बाद एक और एल्डिहाइड है, दो कार्बन वाला एक कार्बन वाला मेथनॉल जिसको फॉर्मेलडिहाइड कहते हैं, दो कार्बन वाला एथनॉल जिसको एस्टरडिहाइड भी कहा जाता है। वो कहते हैं इसको बनाओ, जैसे सबसे पहले लेबोरेटरीज में बनाया जाएगा। इसमें मैंने देखो शराब ली है, अल्कोहल, एथनॉल, इथाइल अल्कोहल भी कहलाती है। एथनॉल है ऑक्सीजन से ट्रीट करती है, कैटलिस्ट
सोडियम डाइक्लोरेट डाइल्यूट H2SO4 यूज करेंगे। इसके नतीजे में एथेनॉल में क्या होगा, H2OH के क्या बना देंगे, यहां से H जाएगा, यहां से OH H2O बना देंगे, बाकी CH3CH बच जाएगा, एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ के डियर स्टूडेंट क्या बना देगा, वो कहता है ये एसिटाल्डिहाइड जिसे एथेनॉल भी कहते हैं, हमने दूसरा कंपाउंड भी तैयार कर लिया। अब ये लेबोरेटरी मेथड है, लेबोरेटरी में क्या करते हैं, सवाल दोबारा सुनना, डायग्राम के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक राउंड बॉटम फ्लास्क है, उस फ्लास्क में सबसे पहले हमने डाइल्यूट H2SO4 ऐड किया हुआ है, ऊपर जो मौजूद है इसको फंडल भी कह सकते हैं, कीफ का नाम भी दे सकते हैं। ये एक दूसरा सिस्टम ऑपरेटस है जिसमें मेरे पास दो कंपाउंड मौजूद है सॉल्यूशन की हालत में, एक को एथानॉल कहते हैं, यहां एथानॉल भी मौजूद है और दूसरा हमारे पास क्या मौजूद है, सोडियम डाइक्लोरेट भी मौजूद है। अब देखिए इस रिएक्शन को देखते हुए यहां डायग्राम आसान से समझी जा सकती है, हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड यहां मौजूद है और एथानॉल यहां है, दूसरा कैटलिस्ट सोडियम डाइक्लोरेट भी इसके ऊपर रखा हुआ है। एथानॉल और सोडियम डाइक्लोरेट का मिश्रण बना के हमने इनको किसमें ऐड कर देना है, वो कहता है H2SO4। जब H2SO4 में ऐड करेंगे नीचे से इसको क्या दी जाएगी बेटा, हीट दी जाएगी। जब हीट प्रोवाइड करेंगे ये रिएक्शन के नतीजे में वेपर्स की हालत में प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देंगे और ये वेपर्स यहां से ये ट्यूब बांधता दी जाएगी, यहां से ये वेपर उड़ते उड़ते इस ट्यूब में से या इंटरनल साइड से गुजरते गुजरते एक दूसरे आगे ट्यूब हमें इसके साथ जुड़ी हुई है जिसको डिलीवरिंग ट्यूब भी कहते हैं। डिलीवरिंग ट्यूब का मतलब डिलीवर करना, डिलीवर मीन ट्रांसफर करना, वो जो वेपर्स बन रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर जब आने वाला एथेनॉल सोडियम डाइक्लोरेट इस डाइल्यूट H2SO4 में मिक्स हो जाता है, बाद में जब इसको हीट किया जाता है, हीट करने के बाद उसके वेपर्स बन जाते हैं, वो वेपर्स डिलीवरिंग ट्यूब में ट्रांसफर होना शुरू हो जाते हैं। एक बात का ख्याल रखना, ये जो वेपर्स बने हैं ये हेली एनर्जेटिक है। अब जब हेली एनर्जेटिक है इसको कंट्रोल करना मुश्किल है, शायद अगर हम इसके अल्टरनेटिव्स का नहीं ढूंढते इसको कूल किया जाए, क्यों अगर ना ही करते तो क्या होगा, वो कहता है ये जब वेपर्स वहां जाएंगे जब इकट्ठे होंगे फौरन रिएक्ट करके प्योर प्रोडक्ट एसिड वाला बना देंगे जिसको एसिटिक एसिड भी कहते हैं, दूसरे प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो इसका मतलब है हमने तो एसिटाल्डिहाइड बनाना है, हमने तो एथेनॉल बनाना है, तो हम क्या करते हैं, वो कहते हैं जब वेपर को इस ट्यूब में से डिलीवरिंग ट्यूब में से गुजारा जाता है, इस ट्यूब के साथ हम एक काम करते हैं, या छोटा सा होल देख रहे होंगे आप, यहां से वाटर आइस बर्फ वाला पानी जैसे कहते हैं, आइस वाटर जिसे कहते हैं, वो ठंडा पानी अब यहां से वेपर्स आ रहे हैं, इधर से हम क्या गुजार देंगे, आइस वाटर जिसे कहते हैं वो इसमें से प्रेशराइज करके यहां आगे की तरफ भेजेंगे, उधर से वेपर्स गैसेस फॉर्म में नीचे आते जाएंगे, ये वाटर का वेपर उसको ऊपर की तरफ वहां से उसको ठंडा करता जाएगा और यहां से फॉर्म के लिए यहां क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। जब ये वाटर आइस इसमें से गुजरेगा वो आने वाले वेपर्स जो हीटेड थे, जो हाई एनर्जी रखते थे, वो आप क्या होना शुरू हो जाएंगे, कूल न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, इस सेक्शन पंप के जरिए इस फ्लास्क में आके कलेक्ट कर लिया जाएगा। जब इस फ्लास्क में आके कलेक्ट हो जाएंगे ये भी डिफरेंट किस्म का सॉल्यूशन प्रोडक्ट देंगे, लेकिन इस प्रोडक्ट में जो मेन प्रोडक्ट होगा एल्डिहाइडिक फॉर्म में, जिसको हम एथेनॉल कहते हैं, जिसको हम एसिटाल्डिहाइड कहते हैं, जिसको हम मिथाइल एल्डिहाइड कहते हैं, वो प्रोडक्ट हम लेबोरेटरीज मेथड के जरिए बना लेंगे, इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट ये भी है, ये किसी का हिस्सा है कि ये कैसे फॉर्मेटेड एसिटाल्डिहाइड बनता है, उसको मैंने आगे एक ऊपर ग्राफ बनाया हुआ है, सॉरी रिएक्शन दिखाया हुआ है, उसमें समझाता हूं कि ये रिएक्शन होता कैसे है। डियर स्टूडेंट आप पढ़ते आए 8वें चैप्टर में मैंने एसीटेट पढ़ाया था, जैसे सोडियम एसीटेट था कैल्शियम भी हो सकता है, एक होता है फॉर्मेट उसमें एच होता है एल्डिहाइड की सूरत में कार्बोनाइल के साथ, एक होता है एसीटेट उसके साथ मिथाइल होता है। देखो यहां कार्बोनाइल के साथ मिथाइल लगा हुआ है तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम
ये कैल्शियम का फॉर्मेट कैल्शियम एसीटेट से मिलेगा। डियर स्टूडेंट, जैसे मैं ना इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, आपने उसी तरीके से याद करना है, अपनी बुक पे ही अंडरलाइन कर लेना, वरना भूल जाएगा, रटा लगाने की जरूरत भी नहीं है। अब यहां से हमारे पास कैल्शियम कार्बोनाइल, ये देखें कैल्शियम कार्बोनाइल, कार्बोनाइल के का कैल्शियम के साथ एक कार्बन दो ऑक्सीजन है। कार्बोनेट उस वक्त कहते हैं जब CO3 होता है। इसका मतलब है कैल्शियम कार्बोनाइल और इधर से एसीटेट से सिर्फ एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन हो जाएंगे, एक कार्बन के साथ मिल जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। एक कैल्शियम कार्बोनेट हासिल कर लिया। अब दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट हासिल करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? इस एसीटेट का कैल्शियम कार्बोनेट और इस कैल्शियम फॉर्मेट के ऑक्सीजन को लेगा। देखिए कैल्शियम कार्बोनाइल इस ऑक्सीजन को, अब इस कैल्शियम का कार्बोनाइल इस ऑक्सीजन को, एक कैल्शियम एक कार्बन दो और एक तीन, तीन ऑक्सीजन, ये भी क्या बना देगा? कैल्शियम कार्बोनेट। हमने टू कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन की सूरत में ऑब्टेन कर लिए हैं। बाकी क्या बच चुका है स्टूडेंट? अब देख सकते हैं, यहां देखते हैं ऊपर वाले स्तर में मिथाइल बचा हुआ है, एक ये बचा हुआ है, यहां एच बचा हुआ है और ये C डबल बॉन्ड ओरेंज बचा हुआ है। अब क्या लिखोगे? एक मिथाइल बचा हुआ CH3, एक कार्बोनाइल C डबल बॉन्ड O और इस साइड पे एक H बचा हुआ है। इसका मतलब है एक एस्ट्रैल्डिहाइड भी बन गया है ये रिएक्शन में। दूसरी साइड पे देखते हैं, यहां क्या बचा हुआ है? मिथाइल, यहां कार्बोनाइल, यहां हाइड्रोजन। इसका मतलब ये भी क्या कहलाता है? एस्ट्रैल्डिहाइड। इसका मतलब है जब कैल्शियम पास एसीटेट कैल्शियम फॉर्मेट का आपस में रिएक्शन करते हैं, एक एल्डिहाइड एस्टरडिहाइड बनता है, दूसरा लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। हमने इंडस्ट्रियल वे के जरिए भी इसको डिस्कस कर सकते हैं, बना सकते हैं। आज का टॉपिक एल्डिहाइड के रिलेटेड था। एल्डिहाइड को लैब में कैसे तैयार किया जाता है, इंडस्ट्रीज के जरिए कैसे बनाया जाता है, हमने एल्डिहाइड के दो कंपाउंड पढ़े हैं, एक को मैथनॉल कहते हैं, एक को मैथनल कहते हैं, दूसरे को एथनल। मैथनल मीन फॉर्मल्डिहाइड, एथनल मीन एस्टरडिहाइड। ये आज के टॉपिक थे। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप आ जाएंगे। बाकी कोई डिस्कशन हो, कोई मसला हो, प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जिंदगी रही, कल नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।